मैं मास्टर अशोक जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और हमारे पास आए। तो हम इतने मजबूर हो गए थे, इधर बोलने वाला तो कोई है नहीं, तो हमारी हालत इतनी खस्ता हो गई है कि हम इतने मजबूर हो गए कि हम घर से बाहर आने के लिए मजबूर हो गए, रोड पे आ गए। तो हमें मास्टर जी का बहुत शुक्रगुजार हम करते हैं कि जिन्होंने हमारा इतना बड़ा एहसान लिया है कि जो सुबह हमारे पास आए और हमारे ये हालत का जायज़ा लिया कि यहाँ की हालत क्या है और ग्राउंड में वाकया ये है या लोग ऐसे ही बोलते हैं। मगर इधर आप बताओ तकलीफ क्या है? तकलीफ हमें यही है कि ना हम बैठ सकते हैं, इतना डस्ट इतनी है, पानी वाले आते हैं, एक को बोला भाई पानी फेंक, वो बोलता है फलाने को बोलो, वो बोलता है उस अफसर को बोलो, मेरी ड्यूटी दी है दो टाइम पानी, हम तो बोलते हैं दो टाइम पानी फेंक तो सही, वो दो थोड़ा सा पानी फेंक के गैप हो जाता है, तो हमारे बिल्कुल ना चलने के लिए ना हम चल सकते हैं, हमारी इतनी हालत ख़राब है, इतनी ज़बरदस्त ख़राब है, खाना कहाँ खाएंगे, जहाँ खाना खाते हैं वहाँ मिट्टी मिट्टी है अंदर। आप चलिए हमारे पूरा मोहल्ला जितना मेरा वार्ड नंबर 3 है, मैं पहले सरपंच साहब से भी बात की थी, मैंने बोला आप आओ इधर देखो हमारी हालत क्या है, बस हमारे कुछ सुनाई नहीं है, टस्ट मस नहीं होते यहाँ कोई भी, वो हम इतने मजबूर हुए कि हमें मासी जी का बहुत धन्यवाद। चंद्रकोट एरिया है जहाँ मैं आया हूँ आज, नेशनल हाईवे 44, और बड़े दुख की बात है कि नेशनल हाईवे 44 जो है हमारा, इसके आसपास चंद्रकोट का एरिया है, इसके आसपास करोल का है, रामबन का है, जितने भी आसपास के एरिए हैं, खासकर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ, ये चंद्रकोट का एरिया है, इस चंद्रकोट के एरिया में वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 3। इस वार्ड नंबर 3 में जो नीचे गांव है, ऊपर गांव है, इन गांव में लोगों को रह नहीं पा रहे हैं, लेडीज रह नहीं पा रही, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, क्योंकि मिट्टी धूल इतनी ज्यादा उड़ रही है, कि कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा है। ये मैं बड़े बड़े दुख की बात है कि बार बार हमने, कम से कम 4 बार हमने ये प्रोटेस्ट उठाया, रामबन से लेके करोल तक, आज हम चंद्रकोट में पहुंचे हैं। अगर ये आप लोगों ने मिट्टी बंद नहीं की तो हम सारे आपके दफ्तर को यहाँ नहीं चलने देंगे, चाहे वो गैमन कंपनी हो, चाहे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्यों भाई, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, क्यों हमारे लोगों को आप बर्बाद कर रहे हैं, क्यों छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मिट्टी से? ये मिट्टी जो है, इतनी मिट्टी जो जमी हुई घरों के ऊपर, छत के ऊपर, अगर आप देखें, अगर ऊपर मिट्टी छत पे जमी है तो हमारे पेट के अंदर कितनी गई होगी, बच्चों के पेट के अंदर कितनी गई होगी, और इस मिट्टी से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, अस्थमा की बीमारी पैदा हो जाती है, इसके इससे सांस लेने में दुश्वारी आती है, इससे जो है छोटे बच्चे जो है 14 साल से नीचे, वो जो है वो अपना लाइफ स्पैन पूरा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आज हम 40 साल के जो हैं, 45 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, वो लोग जो है, बातें नहीं करें प्लीज, अगर आप इसमें रहना बातें नहीं करना, 40 से 50 के लोग हैं, उनका जो है लाइफ स्पैन जो है कम हो जाता है, वो जी नहीं सकते इस मिट्टी की वजह से। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों गवर्नमेंट हमारे साथ खेल खेल रही है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन रामबन जो है इन लोगों को लगाम नहीं लगाती। मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगा, एलजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन रामबन को पूछा जाए कि वो इन लोगों को, गैमन कंपनी को, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो सबलेट किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनको क्यों नहीं पूछताछ करती है, क्यों बार बार ये यहाँ पे लोगों को ठगने के लिए टैंक आ जाता है, और जब लोग परेशान होते हैं, देखते परेशानी है, तो एक टैंक आके थोड़ा सा पानी डाल के चला जाता है, और दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में, रात के टाइम में मिट्टी ही मिट्टी, धूल ही धूल हम खा रहे हैं, क्यों भाइयों? सॉरी। और इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया भी, आप लोग आओ यहाँ, हमारी नुमाइंदगी करो, हमारी बातचीत करो यहाँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ गरीब बंदे को क्यों सताया जा रहा है, क्यों सता रही गवर्नमेंट गरीब बंदे को, क्यों लोगों को सताया जा रहा है मिट्टी के जरिए, क्यों मार रही है लोग, जिंदा लोगों को मार रही है। हाँ, ये प्रोजेक्ट बनना जरूरी है, हम भी चाहते हैं प्रोजेक्ट बने, नेशनल हाईवे बने, लेकिन नेशनल हाईवे बने और ये हमारे लोगों को मार के बने, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्यों भाई, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ हम साइड पे खड़े हैं, कल हम रोड को बंद भी कर सकते हैं, आज तो रोड यूं ही बंद है, पहले ही बंद है, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं। अगर आप लोगों ने इसका मसला हल नहीं किया, आने वाले टाइम में क्यों भाई हो, हम यहाँ रोड पे बैठ जाएंगे, बच्चों को लेके मैं भी साथ बैठ जाऊंगा, तो आप लोग इसका हल करिए। क्या बात है, आप लोग करोड़ों अरबों रुपया आप लोग कमा रहे हैं, अरबों रुपया आप लोगों ने कमा लिया यहाँ से, और हमारे लोगों को मिट्टी में मरने के लिए छोड़ दिया यहाँ, क्यों छोड़ा आपने मरने के लिए हमें, क्या हमारा हक नहीं है, क्या हम वोट नहीं देते हैं? सेंटर में हमने गवर्नमेंट नहीं बनाई है, सेंटर में हमने 45-45 हजार वोट यहाँ से दिए, 25-25 हजार यहाँ एमएलए को वोट दिए, जिता के भेजा, और उसका नतीजा देख रहे हैं, 6 साल में, पूरे 6 साल में हम मिट्टी खाए जा रहे हैं,
रोज मिट्टी खाए जा रहे हैं, रात को भी मिट्टी, दिन को भी मिट्टी, रात को भी खाते हैं मिट्टी, रात को भी मिट्टी हमारे ऊपर आती है, दिन के टाइम में मिट्टी आती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमारे लोगों का जीने का हक नहीं है क्या? क्या यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन बोर्ड है, क्या उसका फर्ज नहीं कि एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है उसको चेक किया जाए? क्या एयर पोल्यूशन बोर्ड को, अथॉरिटी को इतना हक नहीं है कि वो यहाँ आके चेक करे, यहाँ लोगों के घरों को, गांव को आके देखे कि क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं? पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है लोगों को बर्बाद करने में, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी टाइम है, आप लोग जो है हमारा मसला हल करिए। अगर आप आज भी नहीं करते फिर हम सड़कों में लेट जाएंगे। क्यों भाई? हम सड़कों में लेट जाएंगे जब तक हमें लिख के नहीं देंगे इसको कि आप लोग इसको हल करेंगे मसला, हमें टाइम स्पेन नहीं देंगे, 10 दिन 5 दिन, क्यों जी? देखो देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसले का हल है कि आप इसको लुक डालिए। आपने चंद्रकोट में पूरा कटिंग की है, आप लुक डालिए, लुक डालेंगे तो हमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। आप ब्लैक टॉपिंग करिए, करोल से लेकर रामबन तक आप ब्लैक टॉपिंग करिए, आपने यूं ही काट कूट के छोड़ दिया। आप लोग पैसे कमा रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, पैसे कमा लेते हैं और हमारी जिंदगी के साथ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं आप। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल क्या बनेंगे ये बड़े होके? क्या ये मिट्टी खा के जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जोरदार तरीके से कि आज जो है हमें मजबूर मत करिए, आप लोग हमें मजबूर मत करिए इस रोड को बंद करने के लिए। हमने फिर हम रोड पे आ जाएंगे, फिर आप नहीं कहना कि हमारा अब ये हो गया, लॉ एंड ऑर्डर काम होगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से भी कहना चाहता हूँ, अभी भी मसला हल करो आप। अगर आप नहीं हल कर सकते फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी, आपका जिम्मा होगा, आप उसके जिम्मेवार होंगे। आज 2 अक्टूबर है, सब भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और 2 अक्टूबर का दिन है। इस दिन के लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा दिन यही है कि हम गरीब लोगों की मदद करें। सबसे बड़ी जो है 2 अक्टूबर मनाने की यही है कि हम गरीब से गरीब लोगों की मदद करें, उनका कोई मसला हल हो। तो मैं एक बार फिर जोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ, अल्टीमेटम देना चाहता हूँ इनको कि अब आपने ये मसला हल नहीं किया तो हम रोड पे लेट जाएंगे, हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। क्यों आप काम कर रहे हैं? आप लोग तो हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम मिट्टी खा रहे हैं, आप लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद।